अभी जंग जीतने के लिए नीतियों के साथ साथी भी जरूरी होते हैं। साथी छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। बीजेपी के मिशन 2024 में यूपी के तीन अहम साथी हैं, निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। ये पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ी तो हैं, लेकिन चुनावी पिच पर इनका अपना अपना एजेंडा भी है, क्योंकि इनका अपना अलग वोट बैंक है, अपनी अलग लाइन लेंथ है। चौबीस के चुनावी साथी, एक दिया तो एक बाती। पार्टियां पिच पर साथ, वोटों पर अलग दिशा। चुनाव में साथ मिलकर लड़ने वाली पार्टियां मंच पर तो साथ होती हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाती हैं तो बात अलग हो जाती है। ये अमूमन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों की सियासत का पैमाना अलग होता है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में अपना दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक है। इस पार्टी का मुख्य आधार पूर्वांचल और अवध के इलाके के कुर्मियों में है। इसके प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी भले ही चुप्पी साधे, लेकिन अपना दल एस, जिसका जनाधार पिछड़ा वर्ग है, वो जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन करती है। पिछड़ों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की मांग करती है। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, ताकि न्यायपालिका में भी दलित और पिछड़े वर्ग के होनहार युवाओं को जज बनने का मौका मिले। पिछले चुनावों और जीत से उत्साहित इस पार्टी का अब लक्ष्य प्रदेश के तीसरे नंबर की पार्टी से नंबर वन पार्टी बनना है, जिसका इजहार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुकी है। वहीं निषाद पार्टी बीजेपी भी प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी है। ये पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही बीजेपी के साथ है। इस पार्टी की स्थापना डॉक्टर संजय निषाद ने की थी। साल 2017 का विधानसभा चुनाव इसने अकेले दम पर लड़ा था, इसे एक सीट पर सफलता मिली थी। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने 2018 में गोरखपुर संसदीय सीट पर हुआ उपचुनाव सपा के टिकट पर लड़कर जीता था, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले निषाद पार्टी ने बीजेपी से समझौता कर लिया। इस पार्टी का आधार मुख्य तौर पर निषाद या मल्लाह जाति में माना जाता है। हाल ही में पार्टी ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें बीजेपी के भी दिग्गज शामिल हुए थे। लेकिन इस पार्टी के मुद्दे की बात करें तो इसके एजेंडे में मछुआ समाज के लिए आरक्षण की मांग है, जिसके लिए पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्वी यूपी के साथ प्रदेश के 6 प्रांतों में संगठन विस्तार हुआ। श्रृंगवेरपुर धाम में बनी मस्जिद को पार्टी अवैध मानती है। निषाद पार्टी इसे निषाद राज का किला कहती है। बीजेपी के अहम साथियों में ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी है, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुई। इसका जनाधार पूर्वांचल में अच्छा खासा है और राजभर तबका इसका अहम वोटर है। इसके साथ आने से पूर्वांचल में बड़ी पार्टियों की बिगड़ी बात बन जाती है। पिछले 2 चुनाव इसके गवाह है। कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण ही अपने मुद्दों को लेकर होने का कार्य किया गया था, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आज एनडीए के गठबंधन में शामिल है, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी के अपने मुद्दे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा एक समान लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया गया। हालांकि सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर की जुबान और महत्वाकांक्षा हमेशा सहयोगी पार्टियों के लिए बड़ा सबब रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर जन जन के बीच में जाने का काम करती रहती है। समय समय पर हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जनसभाओं करने के माध्यम से भी इन मुद्दों को जो है उठाने का काम करते रहते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो हम इन मांगों को लगातार उठाते रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। पार्टी किसी भी हाल में 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। भगवा दल के सहयोगी भी उसकी इस हसरत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो सब सीटों का बंटवारा होगा तो खासा तरजी चाहेंगे। अब देखना होगा सहयोगियों को पार्टी कैसे साधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।